नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, आपके साथ मैं कनिका। बात करते हैं यूपी के बुलंदशहर की। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल मारपीट की और पुलिस की हिरासत से गैंगस्टर के आरोपी शहजाद को छुड़ाकर फरार हो गए, जिसमें एक दरोगा और एक कांस्टेबल घायल हो गए। पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये हैं बुलंदशहर के गांव ताजापुर के रहने वाले फरमान जावेद, मुरसलीन रिजवान, मोहम्मद कासिम और मोहसिन, जिन पर बुलंदशहर कोतवाली देहात में तैनात दरोगा सरताज और एक कांस्टेबल के साथ मारपीट कर उन्हें घायल करने के आरोप लगे हैं। दरअसल बीते दिन बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने ताजपुर में दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शहजाद को हिरासत में लिया था। तभी ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और शहजाद को पुलिस हिरासत से छुड़वा कर भगा दिया। रौसर बुलंदशहर कोतवाली देहात के ताजपुर में पुलिसकर्मी गए थे आरोपियों को पकड़ने के लिए, जिनके साथ साथ मारपीट की गई और ग्रामीणों ने आरोपियों को छुड़ा कर ले गए। अब किस तरह की कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा? देखिए, कल शहजाद नाम के एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कोतवाली देहात की पुलिस गई थी। गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न की गई और अभियुक्त को छुड़ाया गया कस्टडी से। इसके संबंध में तत्काल जो दोषी थे उनके घरों पर दबिश दी गई है, प्रभावी कार्यवाही की गई है। 12 लोगों के विरुद्ध नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और कल प्रयास करते हुए 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है और शेष जो आरोपी हैं जो नामित हैं और जिनकी पहचान की जा रही है उनको भी गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध भी अत्यंत सख्त कार्यवाही की जाएगी।